नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ आनंदा मिश्रा। कर्नाटक सरकार ने उद्योग जगत के भारी विरोध के बाद निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को रोक दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य विधानसभा में पेश करने से पहले सरकार इस विधेयक पर दोबारा विचार करेगी। यह राज्य कैबिनेट द्वारा उस विधेयक को मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया है, जिससे निजी क्षेत्र में 50% प्रबंधन वाले और 75% गैर प्रबंधन पदों पर कन्नड़ भाषाओं की नियुक्ति का प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने मंत्रियों के साथ विधेयक की सराहना की और अपने सरकार को कन्नड़ समर्थन बताया। उनकी प्राथमिकता कंडेगांव के कल्याण की देखभाल कर रहा थी। हालांकि इस कदम की आईटी उद्योग ने आलोचना की है, जिसने शिकायत की है कि इस तरह के बिल से बेंगलुरु में तकनीकी उद्योग की वृद्धि बाधित होगी और नौकरियों पर असर पड़ेगा। वहीं कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने यह भी कहा है कि राज्य में नौकरियों पर कन्नड़ वासियों का पहला अधिकार है और निजी क्षेत्र में कोटा बिल, जिसे रोक दिया गया है, देर सवेर लागू भी किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि फिलहाल उद्योग में इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते इस प्रस्ताव को रोक दिया गया है। हम उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। राज्य में लोगों का नौकरी पर पहला अधिकार होगा। वहीं आपको हम बताते चले कि इस मामले की शुरुआत कब और कैसे हुई। कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों पर रोजगार विधेयक 2024 को, यानी कि आज गुरुवार को, विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना थी। इस बिल में निजी कंपनियों में समूह सी और डी के पदों के लिए स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देने का प्रावधान था। साथ ही किसी भी उद्योग कारखाने में मैनेजमेंट श्रेणियों में 50% और नॉन मैनेजमेंट श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का भी प्रावधान दिया गया था। इस विधेयक के अनुसार अगर उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी से निर्दिष्ट दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। साथ ही विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर स्थानीय योग्य उम्मीदवार मौजूद नहीं है तो सरकारी या फिर सहयोगी एजेंसियों की मदद से 3 साल के भीतर ही संस्थानों को प्रशिक्षण देने का काम करना होगा। इसके अलावा अगर योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो प्रतिष्ठानों को सरकार या फिर उसके एजेंसियों की मदद लेकर 3 साल के अंदर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके अलावा अगर पास पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो कंपनियां सरकार से इस अधिनियम के प्रावधान से छूट के लिए आवेदन कर सकती है। उद्योग जगत के दिग्गजों ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसके फांसीवादी और अदूरदर्शी बताया है। जाने माने उद्यमी और इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी टीबी मोहनदास पई ने इस विधेयक को प्रतिगामी करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर लिखा है कि इस विधेयक को रद्द कर दिया जाना चाहिए, यह भेदभावपूर्ण, प्रतिगामी और संविधान के खिलाफ है। मोहनदास पई ने लिखा है कि यह अविश्वसनीय है क्योंकि कांग्रेस सरकार इस तरह का विधेयक लेकर आ सकती है। फार्मा कंपनी बायोकॉन की मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजुमदार शॉ ने कहा है कि एक तकनीकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है और जबकि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना करना होता है तो ऐसे शर्तें होनी चाहिए जो अत्यधिक कुशल भारतीय को इस नीति के छूट दे। कर्नाटक के को चेयरमैन आरके मिश्रा ने भी सरकार की इस फैसले की आलोचना की है। दरअसल उन्होंने कहा है कर्नाटक सरकार का एक और प्रतिभाशाली कदम स्थानीय आरक्षण को अनिवार्य करे और हर कंपनी में निगरानी के लिए सरकारी अधिकारी की नियुक्ति करे। यह भारतीय आईटी और जीसीसी को डरा देगा। तो इस तरीके से कर्नाटक सरकार के आरक्षण वाले फैसले का विरोध खास करके ज्यादातर लोगों ने किया है। आप इस फैसले पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जरूर साझा करिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। हालांकि आपको हम एक बात और बता दें कि ये विधेयक पेश नहीं हुआ है, फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।